जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ वो मोहब्बत को, मैं उन बुजुर्गों को यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ जो मेरे लिए हमेशा दुआ करते चले आए हैं, और आपने तो मेरा ऐसा साथ दिया है कितना किसी ने साथ नहीं दिया जितना आप लोगों ने साथ दिया। और यकीन जाने मेरा दिल ये करता है कि सबसे पहले कि जो 2018 में मैंने लावा में ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे वजारत आला दी, और तो मैं इसको न सिर्फ जिला बनाऊंगा बल्कि इतनी खिदमत करूंगा कि लोग आशीष करेंगे और लोग खुश होंगे। क्योंकि ये सरजमीन शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। जब भी मैं आया हूँ आपको इससे कोई तलक नहीं रहा कि मैं हार गया या जीत गया या जो भी, आपने मेरा हर शक्ल में साथ दिया, चाहे मुझे लोग छोड़कर भी चले गए, सिर्फ आप अकेले खड़े रहे और मेरे साथ खड़े रहे। मैं शहीदों और गाजियों की सरजमीन से ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं नहीं, राशिक अलाई मेरे साथ खड़ा है, मोनिस आ नहीं सका, तो मेरी नस्लें जो हैं वो भी आपको नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये नून लीग वाले जो हैं इतना झूठ बोलते हैं। कि आपकी सोच है, हम तो इनके साथ 15 साल रहे हैं, हमने देखा है इनको बड़ी करीब से, सारी जिंदगी सारे टब्बर ने कसम खाई है सच ना बोलने की। मैं तो दुआ करता था अल्लाह ताला से, या अल्लाह हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू ही कोई ऐसा बंदा भेज जो इनको छोड़े ना, वो इमरान खान की शक्ल में मिल गया हमें। ये जिस मुल्क में जाते हैं आगे इमरान खान नजर आता है, घर आते हैं इमरान खान नजर आता है टीवी पे, सोते वक्त इमरान खान इनकी ख्वाबों में आता है, और जागते हैं तो इमरान खान सामने खड़ा होता है। अल्लाह ताला ने ऐसी चीज पैदा करके भेजी है ना पाकिस्तान के लिए कि चोर चोर जहां जाते हैं ना, किसी दुकान में जाते हैं तो नारे लग जाते हैं चोर चोर। ये इतने इतने बुरे लोग हैं कि ये एहसान को नहीं मानते, ये एहसान को नहीं मानते। इन्होंने दोनों हाथ ऐसे किए होते हैं, यहाँ तक हाथ रखते हैं, और अगर देखे कि बंदा तगड़ा हो गया तो पाँव पड़ जाते हैं, अगर तगड़ा ना हो तो वो ही हाथ गले पड़ जाते हैं। और देखें मुल्क दुश्मनी देखें, इस पंजाब से जहाँ से वोट लेते हैं तो नून वालों की गैरत शहबाज शरीफ ने हमारी अभी तक हमें गंदल नहीं दी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं, मैं एक सीधा लुआना फिर छोड़ इस कितना इंतकाम लोगे। सैलाब आया तो शहबाज शरीफ ने बाकी सूबों को पैसे दिए जो बाहर से आए,
वर्ल्ड बैंक के पैसे आए, अमेरिका से पैसे आए, ना सामान दिया ना पैसे दिए। इमरान खान साहब ने कहा मिलके यहाँ पंजाब हाउस में टेलीथॉन करते हैं, मैं भी साथ बैठा तो 2.5 अरब हमारे अकाउंट में आ गया, वो हमने देना शुरू कर दिया है। इन्होंने पैसे नहीं दिए, झूठ बोलने की। और मैं आपको ये भी साथ बताना चाहूंगा कि इसके बाद इमरान खान साहब का जो प्रोग्राम है सास प्रोग्राम, बाबा झंडा तला कर, और 80 लाख जो मुस्लिम लोग हैं उनका मैंने ऐप पे इफ्ताह किया है, दुकानदार को भी 10% मिलेगा, और इससे 80 लाख लोगों को सारे पंजाब में फायदा होगा। और हमने कानून भी पास कर दिया इसका, कल पंजाब असेंबली को मैं खराज अकीदत देता हूँ कि हमने कानून भी पास कर दिया है सास प्रोग्राम का, अब इंशाल्लाह सारे पंजाब में ये लागू हो चुका है। और आज मैंने कहा कि यहाँ आके ऐलान करूंगा, आप बाबरकत लोग हैं, आप दुआ करते हैं मेरे लिए, अल्लाह ताला बरकत डाल देता है और मुझे पता नहीं कैसे काम हो जाते हैं। और ये यकीन करो मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह जो मैंने वादे पूरे किए ना इस धरती में, इस शहर में, इस तलागंग में, तलागंग के गाजियों शहीदों की जो जगह है, या अल्लाह इसमें तो बरकत डाल दे। और अल्लाह ताला ने बरकत डाली और आज मैं भी सुरखरू हूँ, आप भी सुरखरू हैं। और मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, आप सब कह रहे थे ना यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, क्योंकि आप जमीनें महंगी होती है,